जैसे ही बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को अपना कोच बनाने का फैसला किया तो दौड़े दौड़े विराट कोहली के पास पहुंचे कि भैया हम गौतम गंभीर को कोच बना रहे हैं, तो आप दोनों की टसल चल रही है कि आप दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आते हो, आईपीएल में भी आप लोगों की एक वो दो डिफरेंट टीमें होती हैं तो उसमें आप एक दूसरे से झगड़ा करते हो, तो अभी वो कोच होगा, आप प्लेयर होगे, वो आपको ऑर्डर्स देगा, ये सीन है वो सीन है, तो आप बताओ क्या बर्दाश्त होगा आपको? तभी हम इसको फैसले को थोड़ा सा और तरीके से लें तो विराट कोहली का कहना था कि वो इंडियन टीम के लिए आ रहा है ना कि विराट कोहली के लिए। विराट कोहली इंडियन टीम का हिस्सा है, अगर वो कोई फैसला करता है तो वो इंडियन टीम के लिए करेगा, एक स्टेट के लिए, एक मुल्क के लिए करेगा, वो सिर्फ विराट कोहली के लिए कोई फैसला नहीं करेगा। और मुझे यकीन है कि गौतम गंभीर जो है वो मेरी और उसकी लड़ाई को साइड पे रखेगा और वो टीम का भला सोचेगा कि टीम में किसे होना चाहिए और किसे नहीं। ये हैं विराट कोहली के अल्फाज, वो विराट कोहली जिसकी पावर इतनी है कि वो पूरी की पूरी इंडियन टीम को हिला के रख सकता है। उसका असर और रसूख इतना है कि वो 6 इनिंग में लगातार फेल हुआ तो उसकी गवाही कप्तान दे रहा था कि यार ये एक इनिंग ऐसी खेलेगा जो हमें ये सीधा अकेला मैच जितवाएगा। वो विराट कोहली गौतम गंभीर जो कि उसका दुश्मन है उसके बारे में कहता है कि भी हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं, कोई आपसी कोई जायदाद के लिए नहीं खेल रहे कि मुझे उससे डर लगेगा या उसे मुझसे डर लगेगा, कि अगर वो कोई मुझे ऑर्डर देता है तो मैं वो ऑर्डर मानूंगा नहीं। ये होता है एक माइंडसेट का मुवाजना, एक फर्क ये होता है कि हमारे प्लेयर लड़े इसलिए कि उसे कप्तान बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया, मुझे कप्तान बनाया है तो उसे निकालो, अब मैं टीम में रहूंगा या वो टीम में रहेगा, ये होता है फर्क। विराट कोहली गौतम गंभीर मुल्क के लिए सोच रहे हैं कि हम इंडियन टीम को वहां पर जो बेनिफिट देगी चीज हम वो करेंगे। विराट कोहली ने रेस्ट ले ली थी ये श्रीलंका सीरीज में, उसने कहा कि यार ये छोटी मोटी टीम है, जाओ बच्चे बुच्चे खेल के आ जाओ क्योंकि इससे कौन सा फर्क पड़ना है। तो गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं, यहाँ विराट कोहली भी खेलेगा और रोहित शर्मा भी खेलेगा। तो विराट कोहली ने कहा ओके, गौतम गंभीर कह रहा है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कह रहा है, उसने ये नहीं समझा, उसने समझा कि इंडियन टीम का कोच कह रहा है कि मैंने खेलना है तो मैंने खेलना है। उसने दस्ती रेस्ट का फैसला वापस ले लिया, वो इंडिया में नहीं था लेकिन अब वो आएगा श्रीलंका में टीम का साथ देने के लिए, टीम में खेलने के लिए, क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा है कि यहां पर सीनियर खिलाड़ियों का होना जरूरी है और वो उनको खेलना चाहिए और वो खेलेंगे। ये फर्क है। अब लड़ाई झगड़ों से ना आपको ये समझना होगा कि इंडियन टीम का माइंडसेट और पाकिस्तानी टीम का माइंडसेट क्या है। पाकिस्तानी टीम वहां गई हुई थी इसलिए कि हमने अपनी सारी फैमिलियां साथ लेकर जानी है, हमने फैमिली टूर मनाने हैं, हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं, हमने डिनर करने हैं, हमने अपने ऊपर टिकटें लगवानी है, जबकि इंडियन टीम की गवाही शाहीन दे रहा है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन दे रहा है कि अगर इस वर्ल्ड कप में कोई जीतना डिजर्व करता था या कोई जीतने के लिए आया हुआ था तो वो इंडियन टीम थी। तो फर्क तलाश करें, आपको आपके सामने है ये चीज, ये होता है एक टीम में और एक आप कह लें कि यार टीम कहना भी नहीं चाहिए इनको, फर्क ये होता है। कमाल।